दिस इज लेक्चर नंबर 21 पार्ट 2। अभी मैंने आपको रेसिड्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट मेथड बताई थी कि जब सिंपल पोल हो तब ये फॉर्म लगेगा, जब रेसिड्यू निकालना हो जेड इज इक्वल टू ए पर ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर एम, अगर वो एम ऑर्डर का पोल हो तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्म लगेगा। यहाँ पर सपोज जेड इज इक्वल टू ए, एम बार रिपीट हो रहा है मतलब एम ऑर्डर का पोल है, तो रेसिड्यू हो जाएगा 1/(m-1) लिमिट जेड टेंस टू ए, हमको जेड माइनस ए की पावर एन इंटू एफ जेड का एम माइनस वन बार डिफ्रेंशिएट करना है, और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है उसमें जेड टेंस टू ए रखना है, तो हमारा फाइनल आंसर जो निकलेगा वो रेसिड्यू निकलेगा। थर्ड जो केस है ये हम तब लगाते हैं जब हमको इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालना है, तो इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप एफ जेड में माइनस जेड का मल्टीप्लाई करें और जेड की टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर लें और फिर जेड टेंस टू इनफाइनाइट रख दें, तो वो आ जाएगा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। नाउ दिस इज मेथड नंबर 4 लेक्चर नंबर 22 जिसमें है जनरल मेथड है। अगर वहाँ पर डिफरेंशिएशन हमको दो से ज़्यादा बार, तीन बार, चार बार करना पड़ा तो ये वाला जो केस है, केस नंबर 2, ये बहुत लेंदी चल जाएगा, तो इसका एक अल्टरनेट तरीका है जिसको हम जनरल मेथड बोलते हैं कि अगर आपको एफ जेड का रेसिड्यू निकालना है जेड इज इक्वल टू ए पर, तो आप जेड के जगह ए प्लस टी रखें इस फंक्शन में, और इस फंक्शन को एक्सपेंड करने के बाद आप 1/t का कोफिशियंट निकाल लें, वो जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू एक्चुअली रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एज जेड इक्वल टू ए कहलाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।